गुजरात में पीएम मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन किया। वाइब्रेंट गुजरात समिट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी मुकेश अंबानी का भी संबोधन हुआ। उन्होंने कहा कि उन्हें गुजराती होने पर गर्व है। गुजरात को उन्होंने अपनी मातृशक्ति और कर्मभूमि बताया। इसके साथ ही उन्होंने पीएम की भी तारीफ की। पीएम मोदी को उन्होंने ग्लोबल लीडर बताया। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने समिट का उद्घाटन किया है। समिट में कई ग्लोबल कंपनियों के सीईओ पहुंचे हुए हैं। आई एम अ प्राउड गुजराती। मने गुजराती होवानु अभिमान छे। When foreigners think of new India, they think of a new Gujarat, Navu Gujarat. How did this transformation happen? Because of one leader, our beloved leader who has emerged as the greatest global leader of our times. And he is Sri Narendra Bhai Modi, the most successful Prime Minister in India's history. About Narendra Bhai, when you speak, the whole world not only listens, but applauds you. My friends abroad ask me, what is the meaning of slogan that millions of Indians are chanting, that Modi hai, to mumkin hai. अयोध्या में बीजेपी और आरएसएस की बैठक मंदिर परिसर में चल रही है और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर बैठक चल रही है। बैठक में बीएल संतोष धर्मपाल मौजूद हैं। इसके अलावा सुनील बंसल, तरुण चुग, विनोद तावड़े और अन्य कई हस्तियां मौजूद हैं। बैठक के बाद राम जन्मभूमि के दर्शन पूजन भी किए जाएंगे। तो मंदिर परिसर में ये बैठक चल रही है इस वक्त, बीजेपी और आरएसएस की ये बैठक, बीजेपी की काफी महत्वपूर्ण बैठक जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर मंथन किया जा रहा है, चर्चा की जा रही है और इन दिनों अंतिम रूप दिया जा रहा है तैयारियों को, इसलिए बैठक कर समीक्षा भी की जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इसमें मौजूद है। संकेत मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। संकेत, ये बैठक जो चल रही है मंदिर परिसर में, कब ये शुरू हुई, क्या जानकारी बैठक को लेकर? बिल्कुल, ये एक अहम बैठक है। इसमें राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष बैठक में मौजूद हैं और रामलला के जो राम जन्मभूमि परिसर है उसमें ये बैठक है। और इस बैठक में जो सबसे खास बात है कि आप, हम पहले तस्वीरों में दिखाएंगे, तमाम भारतीय जनता पार्टी के ये विधायक हैं जा रहे हैं, ये तमाम जो लोग हैं ये मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं और बीएल संतोष राष्ट्रीय महामंत्री संगठन वो मौजूद हैं अंदर रामलला जन्मभूमि परिसर में। उनके साथ में सुनील बंसल राष्ट्रीय महासचिव, तरुण चुग, ये सभी राम जन्मभूमि परिसर में मौजूद हैं। 11:30 बजे आरती में शामिल होंगे और उसके बाद 12:30 बजे एक बैठक है जो कि प्रशासनिक अफसरों के साथ में होगी और उसमें भी जो आरएसएस के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी वो मौजूद रहेंगे। इसके बाद 2 बजे से बैठक है उसमें बीजेपी और आरएसएस की ये समन्वय बैठक है जिसमें राम जन्मभूमि जो न्यास है इसके सदस्य भी शामिल होंगे उस बैठक में। जो तैयारियां हैं उन पर मंथन किया जाएगा कि आखिर क्या कुछ तैयारियां हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी संगठन, इसके अलावा योगी सरकार, ये बड़ी तैयारियों में जुटे हुए हैं और इस पूरे देश ही नहीं देश के माहौल को राममय करने में जुटे हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बैठकें होती हैं और उसके बाद आज अयोध्या केंद्र बिंदु में है, केंद्र में अयोध्या है और यहाँ पर सभी जो आरएसएस के और इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं। ये पहले कार सेवकपुरम में बैठक प्रस्तावित थी, उसके बाद राम जन्मभूमि परिसर में पहुंच गए हैं, यहाँ पर तैयारियों का अंदर जायजा ले रहे हैं और इसके बाद 11:30 बजे आरती में शामिल होंगे, पूजन करेंगे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, इसके अलावा सुनील बंसल, महामंत्री संगठन धर्मपाल जो कि उत्तर प्रदेश का काम देख रहे हैं, और इसके अलावा जो तरुण चुग राष्ट्रीय महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के वो भी मौजूद हैं, विनोद तावड़े जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं वो भी मौजूद हैं। जाहिर सी बात है कि एक बड़ी आज बैठक है, राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी आज अयोध्या में मौजूद हैं। हालांकि इस पूरे एरिया को बैरिकेड कर रखा गया है,
अंदर परमिशन नहीं है, लेकिन इतना तय है कि अंदर जो मंथन किया जा रहा है वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों को लेकर मंथन हो रहा है। और किस तरीके से इस जो तैयारियां चल रही हैं, इसे किसे किस तरह से धार दी जाए और मजबूत किया जाए, यही वो वजह है कि आज आरएसएस भाजपा की समन्वय बैठक है और इसमें आरएसएस के भी राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद हैं, राष्ट्रीय महासचिव, तीन राष्ट्रीय महासचिव आज इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा बीएल संतोष राष्ट्रीय महामंत्री संगठन वो भी मौजूद हैं और ये बैठकों का क्रम आज पूरा दिन चलेगा। यहाँ से राम जन्मभूमि परिसर से 11:30 बजे पूजन करने के बाद में सभी पदाधिकारी निकलेंगे और 12:30 बजे बैठक में हिस्सेदारी करेंगे। वो बैठक जो दूसरी होगी वो सर्किट हाउस में होगी। इसके बाद जो तीसरी बैठक है वो 2 बजे से है, एक निजी होटल में है हाईवे पर। तो जाहिर सी बात है कि आज अयोध्या में ये तीन बड़ी बैठकें आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो इन बैठकों में हिस्सेदारी करेंगे और राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को किस तरीके से और भव्य बनाया जाए इसको लेकर मंथन करेंगे। बिल्कुल संकेत, विस्तार से आपने जानकारी दी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो ये बैठक इस वक्त चल रही है और ये बैठक का क्रम आज पूरा दिन ऐसे ही चलते रहने वाला है ताकि इस पूरे कार्यक्रम को और ज्यादा भव्य बनाया जा सके। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।